हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विंडोज़ 11 का लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है 24H2, और इस बार विंडोज़ के लेटेस्ट अपडेट की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार लो एंड पीसी में वो मीन्स वर्क करने वाला है। तो आज मैं इस शॉर्ट ट्यूटोरियल में आज हम अपने चेक करेंगे कि हाँ, ये हमारे पीसी में कॉम्पेटिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पर, और एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है CPU-Z। आप इसको सिंपली डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद में हम इसको यहाँ से डेस्कटॉप पे आइकन आ जाएगा, हम यहाँ से सिंपली इसको ओपन कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर में हम अपने हार्डवेयर के सभी सभी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं कि उसमें आपका मेमोरी कितनी यूज़ हुई है और ग्राफिक्स कार्ड कौन सी है, जहाँ तक कि हम इसमें इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से बेंचमार्क को भी निकाल सकते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने सीपीयू पे। सीपीयू पे आने के बाद में आपको यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शंस का दिख रहा होगा, उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे अगर हमारे सिस्टम पे SSE 4.1 और SSE 4.2 है, तो हम मीन्स कि हम विंडोज़ 11 के लेटेस्ट अपडेट को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने ये नहीं है, तो इस बार हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, जैसा कि हम लास्ट टाइम पे बाईपास करके यूज़ कर लेते थे, बट इस बार हम बाईपास भी नहीं कर सकते। अगर आप बाईपास कर भी लेते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इतना मीन्स बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है वो। उस 11 24H2 का प्रीव्यू वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं वो आपको ऊपर आई बटन पे लिंक इंसर्ट कर दूंगा, आप वहां से जा करके मेरी वीडियो को चेक कर सकते हैं, और आपको उसमें एक रिसेंट वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने विंडोज़ 11 24H2 के 10+ फीचर्स बताए हुए हैं, जिस वीडियो को आप देखने के बाद में ईजिली सभी फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं। ओके, थैंक यू।